आपको तो पता था ना वो साड़ी पहनने के बाद हमारे साथ क्या होगा, फिर भी आपने हमें दी। तो अब उस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। हम बस सच जानना चाहते हैं आपसे। तो सच ये है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, टूटी हुई। डरो मत सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं अच्छा बच्चा हूँ, आई एम गुड बॉय। मम्मा ने कहा था कि अपनी गुड़िया का ख्याल रखना और उनको कभी दुख नहीं पहुँचाना, और मैंने देखा वहाँ से तुम ऐसे करके तुम रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम डरो मत मुझसे, मुझे बुरा लगता है वो। मुझे बाइक चलानी आती है बॉब, और मैं तुमको घुमाने भी ले जाऊंगा और हम फ्रेंड्स बन जाएंगे फिर। जेठानी हो तो आप जैसी। थैंक यू सो मच। वैसे जेठानी अगर अच्छी हो तो देवरानी की आधी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। ये ले, नई दुल्हन आ गई। शादी बहुत जल्दी कर दी। अब हाँ, वो हर्ष ने जिस लड़की को पसंद किया हमने उसी के साथ शादी कर दी। वैसे लड़की दरभंगा की है ना। हाँ तो। अरे अरे नहीं नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि पूरी दुनिया घूमने वाला ये हर्ष सब छोड़ के उसको दरभंगा की लड़की पसंद आई। क्यों बहन जी, सोच के थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो मत सोचिए ना। इसका मतलब ये है कि ये सबसे अलग है, सर्वगुण संपन्न, और हीरे की परख हमारे हर्ष से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इसे चुना है। रुई, हम क्यों नहीं जा सकते नीचे वो मेरी गुड़िया का मुंह देखने के लिए? मुझे जाना है, मुझे लेके चलना। हर्ष भाई क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पर गेम्स खेलेंगे ना, नए नए गेम्स हैं, यहाँ ज्यादा मजे करेंगे। ये देखो क्यों, क्या हुआ? बच्चे खेलते हैं गेम, मैं बड़ा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ मैं, दूर हो जा पागल। सॉरी, चल मेरे साथ, मुझे वो गेम खेलनी है। एक मिनट, वो उसको बोलना कि वो मुझे नीचे लेके जाए। हर्ष भैया, अगर मैं आपको जानकी भाभी के मुंह की जगह
किसी और का मुंह दिखाऊं तो? मुझे किसी और की शक्ल नहीं देखनी, मुझे सिर्फ अपनी गुड़िया का मुंह देखना। भैया एक बार पीछे मुड़ के देखो, आई प्रॉमिस आपको इस गेम में बहुत मजा आएगा। देखो ना, मुझे नहीं देखना। आपको गुड़िया की कसम, पीछे मुड़ के देखो भैया। मुझे गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। हर्ष भैया, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। थैंक यू। अरे वाह, ऐसे मानना पड़ेगा सविता, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो तुम। हाँ थैंक यू। दरभंगा से पटना और दो कमरों से इतनी बड़ी हवेली, मिडिल क्लास से सीधा हाई क्लास। इससे ज्यादा तो हमें मिला है। अरे किस्मत तो हमारी खुली है कि जानकी जैसी गुणवान और संस्कारी बेटी हमें मिली। भाग्यशाली हैं हम और एहसानमंद भी। थैंक यू बेटा। आप चल, मैंने गेम खेल लिया। चल चल, नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे नीचे जाना है। मुझे बात सुनो, आप नीचे नहीं जा सकते। लेकिन as promised मैं आपको गुड़िया की शक्ल जरूर दिखाऊंगी। क्या होगा? मैं जाऊंगी नीचे और आपको करूंगी वीडियो कॉल। आप जानकी भाभी को देख लेना। मैं नीचे जाता हूँ, तुम दोनों वीडियो कॉल पर देखो। मैं नीचे जाऊंगी और वीडियो कॉल करूंगी, आप उसको यहीं पे बैठे बैठे देख लेना। गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है ना? यस ओके, यस। मेरी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। पता है मैंने ना आज अपनी गुड़िया के आंसू पोंछे थे। मैंने जब देखा ना ऐसे करके, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तुम दोबारा क्यों रो रही हो? मुझे बुरा लगता है जब मेरी गुड़िया रोती है। मम्मी ने कहा ना कि उसका ख्याल रखना। रोती क्यों है? तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो गुड़िया? मैं तुम्हें हंसा दूंगा और मैं तुमको बाइक पे घुमाने भी लेके जाऊंगा। तुम चुप हो जाओ ना प्लीज। लो पॉपकॉर्न खाओ। मैं बिजी हूँ, तेरे को मालूम है। दिस इज इंजीरियस टू हेल्प। मैं नहीं खाऊंगा। आई एम, मैं भी देखूंगा आपकी गुड़िया को। नहीं देखना। ना ना ना, गॉड प्लीज मेक श्योर कि इस बार जब जानकी भाभी भाई के सामने आए तो कुछ गड़बड़ ना हो। रो को देखकर वो डरे ना, रोए नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान प्लीज गॉड, ये विश पूरी कर दीजिए।